अब टाइटल में क्या चेंज किया है, सिंपल है, बस क्लिक कर दो उसके ऊपर। अब देखो पहला जो इनका टाइटल था वो था सेटाफिल फेस वॉश जेंटल स्किन क्लींजर। जो जो भी सेक्शन इन्होंने चेंज किया है वो रेड कलर में कट चुका है और नीचे जो चेंजेस किए हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं, है ना। अल्टीमेट चीज है। कीपा टूल हमेशा से अमेज़न सेलर्स के लिए काफी हेल्पफुल रहा है, फिर चाहे अमेज़न प्रोडक्ट ट्रेंड्स ट्रैक करना हो या फिर प्राइस हिस्ट्री या फिर सेल्स रैंक। लेकिन वक्त के साथ अब कीपा टूल के मेजॉरिटी ऑफ द फीचर पेड हो चुके हैं और ऑब्वियसली हर मंथ फी पे करना किसे ही पसंद है। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक पावरफुल अमेजिंग फ्री ऑल्टरनेटिव जो आप सभी अमेज़न सेलर्स की हेल्प करेगा स्मार्टर डिसीजंस लेने में बिना एक पैसा खर्च किए। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। फ्री टूल बताने और स्टेप बाय स्टेप सिखाने से पहले एक बार ये जान लीजिए कि कीपा जैसा टूल आपको क्यों यूज करना चाहिए। हम सभी जानते हैं अगर अमेज़न बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो डेटा इज द किंग, और कीपा जैसे टूल्स हमें प्राइस ड्रॉप, सेल्स रैंक ट्रेंड्स, प्रोडक्ट डिमांड ओवर टाइम जैसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स ट्रैक करने में काफी हेल्प करते हैं। कीपा का फ्री वर्जन आपको ये सभी फीचर्स नहीं देता, एंड अगर पेड वर्जन लेंगे तो ऑब्वियसली बिजनेस एक्सपेंस बढ़ेगा, स्पेशली अगर आप न्यू सेलर हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है Sellersprite Keepa Trend Tool, जो कि कंप्लीटली फ्री है और कीपा से ज्यादा क्रिटिकल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। चलिए अब दिखाता हूं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू यूज Sellersprite Keepa's टूल। और हाँ, वीडियो को भी लाइक कर दो, फ्री टूल जो लाया हूं आपके लिए ढूंढ के, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है अभी तक, सो दैट न्यू वीडियोस मिस ना हो। तो सबसे पहले आपको Sellersprite का जो क्रोम एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल कर लेना है। तो दिस इज द लिंक, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। एंड आप देख सकते हो मेरे को यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड द एक्सटेंशन, इसका लोगो आपको ऊपर यहाँ पे दिख सकता है। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, इसको इंस्टॉल करने के बाद जब भी आप अमेज़न पे कोई भी प्रोडक्ट पेज पे जाएंगे या लिस्टिंग पेज पे जाएंगे तो ये जो एक्सटेंशन है वहां पे आपको डेटा दिखाने लगेगा, ठीक है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कीपा ट्रेंड टूल की, तो हम उससे रिलेटेड देखेंगे। तो अभी मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल हमने सेटाफिल का ये प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है, जो कि सेटाफिल का फेस वॉश है। और ये प्रोडक्ट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अमेज़न चॉइस है और इसके पास मोर देन 26,000 रिव्यूज हैं और ये काफी पुराना प्रोडक्ट है, तो हमारे पास डेटा ज्यादा होगा, सो दैट आपको इजीली समझा पाऊं कि जो कीपा ट्रेंड टूल है वो काम कैसे करता है, क्योंकि डेटा इज द किंग, तो डेटा भी तो होना चाहिए ना समझाने के लिए, तो हम डेटा पे काम करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे ही आप किसी अमेज़न लिस्टिंग खोलते हो तो Sellersprite का जो क्रोम एक्सटेंशन है वो काम करने लगता है, ठीक है। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूं फिर से, आप देखेंगे कि जैसे हमने इस लिस्टिंग को खोला तो आप देखोगे हमारी Amazon की लिस्टिंग आ चुकी है लेकिन वो नीचे चली गई है, ठीक है। ये डेटा खुल गया है Sellersprite एक्सटेंशन की हेल्प से, और ये आप जितना भी ऑरेंज कलर का देख रहे हैं ये सारा Sellersprite हमें डेटा दे रहा है, ठीक है। मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए Sellersprite पे, आप चाहें तो इसमें जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो वहां पे जाके देख सकते हैं। अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर फंक्शन है जो आप सीखना चाहते हैं लेट मी नो इन कमेंट्स, मैं उस पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं कीपा ट्रेंड टूल की, तो उस पे बात करेंगे। तो आप देखोगे कि जब ये लिस्टिंग लोड हो चुकी है, हमारा Sellersprite एक्सटेंशन रन हो चुका है, तो आप देखोगे यहाँ पे एक टैब आ रहा है कीपा ट्रेंड, ठीक है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो जितना भी डेटा है इस प्रोडक्ट का अभी तक का वो यहाँ पे लोड हो जाएगा। तो आप देखोगे कि टोटल 3,108 डेज हो चुके हैं इस प्रोडक्ट को बिकते हुए, मतलब मोटा मोटा 2016 से ये प्रोडक्ट बिक रहा है जहां तक मैंने इसको देखा था। प्रोडक्ट डिटेल्स पे आगे देखेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इसकी डेट नहीं दिख रही है, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है ये प्रोडक्ट 2016 से बिक रहा है। इसको अभी चेक करते हैं, देख लेंगे इसको भी कब से ये बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं कीपा ने खुद ही दिखा दिया है 2016 से ये प्रोडक्ट यहाँ पे बिक रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है ना, यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स आ रहे हैं और बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, बहुत डर सा लग रहा है, इतना सारा डेटा समझना कैसे है। बट मैं आपको आज ये पूरा टूल बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आराम से समझाऊंगा, इसके बाद आपको कोई भी दूसरे टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी डेटा को समझने के लिए, ठीक है। मोटा मोटा ऊपर से अगर पूरा डेटा समझना है किसी कॉम्पिटिटर का या अपना ही, वो आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। तो पहले इस पूरे टूल को समझिए कैसे काम करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें सबसे पहले जो चीज दिखी वो आवर और डे, हम इस बेसिस पे भी ब्रेक कर सकते हैं पूरा डेटा। अगर मुझे आवरली डेटा देना है तो मैं आवर पे क्लिक कर दूंगा और कुछ ही सेकंड्स में वो डेटा यहाँ पे लोड हो जाएगा। तो आप देखोगे आवरली डेटा यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। नीचे डेट्स आ रहे हैं, कितने बजे का वो डेटा है वो यहाँ पे लिख के आ रहा है, जैसे 2 अप्रैल 2024 को 8:56 का, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको 7 डेज डेटा देखना है तो आप 7 डेज दे सकते हैं, 1 महीने का देखना है, 3 महीने का देखना है, 6 महीने का देखना है, 1 साल का देखना है या पूरा देखना, आप इस तरीके से डेटा देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा राइट में आप देखेंगे कि यहाँ पे क्लियर का बटन आ रहा है, ठीक है। ये
क्या करता है, ये पूरा डेटा क्लीन कर देता है। ठीक है, आपको जो भी पर्टिकुलर फील्ड चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं समझाता हूँ अभी कैसे इसको यूज करना है। ठीक है, इसके बाद हम ऑल करके पहले सारा डेटा लेकर आते हैं। अब क्या है, अब आप देखोगे और भी ज्यादा डेटा आ गया, पहले इतना नहीं आ रहा था, कैसे बताते हैं। ठीक है, बाय बॉक्स प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का है, तो इसको मैं जैसे क्लिक करूंगा बंद हो जाएगा, ये देखिए चार्ट बंद हो गया। ठीक है, तो अभी क्या कॉम्प्लेक्स हो गई है चीजें, अब मैं आपको पहले आराम से समझाता हूँ। पहले आप राइट साइड के जो सेक्शन है उस पर ध्यान दीजिए और किसी चीज पे मत दिमाग लगाइए। ठीक है, फिर हम आएंगे लेफ्ट साइड में, यहाँ पे डेटा है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड आप राइट साइड में देख सकते हैं हमारे पास बाय बॉक्स प्राइस मिल रहा है, प्राइस मिल रहा है, प्राइम का प्राइस मिल रहा है, डिस्काउंट प्राइस मिल रहा है, डील प्राइस है, एफबीए प्राइस है, एफबीएम प्राइस है, लिस्टेड प्राइस है, वेरिएशन कितने सोल्ड हुए। ठीक है, इसके 1/2 है, मतलब और भी पैरामीटर्स है, मतलब पैरामीटर्स की कमी नहीं है, आपको फ्री में कोई भी एक्सटेंशन इतनी डिटेल नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट वेरिएशन सोल्ड हो गया बीएसआर ब्यूटी कैटेगरी में, बीएसआर फेस वॉश कैटेगरी में, बीएसआर क्रीम्स एंड मिल्क में एंड बीएसआर क्लेंजर में, ये सब यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो नीचे चार्ट आ रहा है सेकंड हाफ में वो रेटिंग्स एंड सेलर्स यहाँ पे। ठीक है, तो अब राइट सेक्शन आपको समझ आ गया है कि जितनी भी फील्ड्स हमें चाहिए वो यहाँ पे हम पॉपुलेट कर सकते हैं सब कुछ। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अब क्या हमारे पास एक ये एक टाइप से ना क्लीन स्लेट है, हमें नहीं पता डेटा क्या है। ठीक है, तो लेट सपोज मैं बाय बॉक्स प्राइस को कंपैरिजन देखना चाहता हूँ कि पूरे 2016 से जब भी ये प्रोडक्ट बिक रहा है तो इनका बाय बॉक्स कितना ऊपर नीचे हुआ है बाय बॉक्स प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे बाय बॉक्स जो आप देख रहे हो ग्रेड आउट है, इस पे मैं क्लिक करूंगा और वो चार्ट मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ बाय बॉक्स का चार्ट आया, तो एक काम करते हैं इसको ना 1 ईयर का लेते हैं सो दैट डेटा थोड़ा सा सॉर्ट हो जाए। अब देखिए ये ना विद आवर के हिसाब से आ रहा है, मैं इसको डे वाइज कर देता हूँ, डे वाइज मेरे को 1 ईयर का डेटा आ चुका है। अभी यहाँ पे सारे डेटा फिर से आ गया, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और सिर्फ बाय बॉक्स को एनेबल कर। अब इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि बाय बॉक्स के प्राइस में कितना फ्लक्चुएशन कब हुआ है, कब ये ऊपर गया है, कितना गया। और यहाँ पे आप डेटा देख सकते हो कि यहाँ पे आप देखोगे 17 दिसंबर 2024 को 375 था, देन फिर 21 को चेंज हुआ, इस तरीके से आप ये चेंज देख सकते हैं। ठीक है, अब इस टूल की ना ब्यूटी क्या है, मैं आपको ब्यूटी दिखाता हूँ। लेट सपोज आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का डेटा देखना है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये प्लस का सिंबल आ रहा है जिसके नीचे लिख के आ रहा है टाइम पीरियड एडजस्टमेंट। ठीक है, आप इस पे क्लिक करिए और लेट सपोज मुझे इस ड्यूरेशन का देखना है, तो आप यहाँ से इसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर लीजिए। अब आप देखोगे उतना जो चार्ट है ना, उतना जो पोर्शन जो आपने सिलेक्ट किया वो आपके सामने डेटा आ चुका है। अब लेट सपोज मुझे 13 दिसंबर 2024 का डेटा देखना है, तो मैं इस पोर्शन को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ फर्दर अंदर जाने के लिए। अब देख सकते हो ये और डेटा यहाँ पे आ चुका है, तो इस तरीके से पूरा डेटा बिल्कुल डीप डाउन जाके देख सकते हो टाइम पीरियड एडजस्टमेंट को यूज करके। ठीक है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे साइड में रीसेट हो जाएगा, जितना भी आपने डीप डाउन गए हैं डेटा को देखने वो ये जो बटन है रीसेट बटन, ये आपका रीसेट कर देगा। ठीक है, इसके अलावा है रीस्टोर, रीस्टोर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जितने भी आपने क्लियर किए थे फंक्शन वो सारे वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जैक्ट टूल काम करता है जो ये फीचर्स हैं। अब चलते हैं वापस, फिर से मैं इसको क्लियर करता हूँ। तो ठीक है, बाय बॉक्स हमारा प्राइस आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा बाय बॉक्स है, हम इसको एक साल का कर लेते हैं। तो इस तरीके से पूरा एक साल का जो बाय बॉक्स का वेरिएशन अप एंड डाउन हुआ है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रोडक्ट का प्राइस। प्रोडक्ट का प्राइस आप देखोगे ये भी हल्के ग्रीन कलर का है, मैं बाय बॉक्स को ऑफ कर देता हूँ, आपको दिखेगा कि सिमिलरली क्योंकि वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे है बाय बॉक्स के, तो इसलिए बिल्कुल उसी कलर का सेम चल रहा है, तो हमें बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्राइम प्राइस। प्राइम प्राइस हल्के से ग्रीन कलर का, हम बाकी दो को बंद करेंगे। प्राइम का प्राइस खाली यहाँ पे आ रहा है हल्का सा। ठीक है, तो प्राइम प्राइस मतलब कभी प्राइम डील्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा तो ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तीनों को एक्टिवेट करते हैं। इसके बाद डिस्काउंटेड प्राइस, कब इन्होंने डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट प्राइस आप देखोगे ना यहाँ पे छोटा सा रेड पोर्शन है जो कि इन्होंने दिया था लगभग मान के चलिए 2024 के 7वें महीने में। तो अब आपको यहाँ पे टाइम पीरियड एडजस्टमेंट का जो टूल है वो काम आएगा। आप जाएंगे यहाँ पे सिलेक्ट किया, आपने टूल एक्टिवेट किया और इस पोर्शन को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको वो डेटा बड़ा हो चुका है। अब आप देख सकते हो कि क्या डिस्काउंट वगैरह दिया था, तो आप देखोगे प्राइम का प्राइस था 303, डिस्काउंटेड प्राइस था 313 रुपए, सेव 5% तो कूपन लगाया होगा। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो 25/7/2024 को प्राइस था 359, डिस्काउंट प्राइस फिर से 5% का ऑफ दिया 341 का और फिर नीचे 324 का। तो इस तरीके से इन्होंने अपने प्राइस के साथ प्ले अराउंड किया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है डील प्राइस। तो ये डील प्राइस आ गया, तो हो सकता है लाइटनिंग डील वगैरह इन्होंने रन की हो, तो डील प्राइस आप देखोगे ये ऑरेंज कलर की है, तो 334। तो अभी हम इसको रीसेट कर देते हैं पूरी टाइमलाइन, तो आप देखोगे पूरी टाइमलाइन फिर से रीसेट हो चुकी है। ठीक है, एफबीए का प्राइस चेक करना है, ऑरेंज कलर से आ गया। एफबीएम में अगर इन्होंने खुद बेचा है तो ये ब्लू कलर से आ रहा है। तो इस तरीके से ना जो शुरू में बहुत कॉम्प्लिकेट लग रहा था डेटा वो एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सारे हमारे जो ग्राफ्स हैं वो इनेबल थे तो हमें प्रॉब्लम हो रही थी समझने में। लेकिन अब आप क्या कर सकते हो, जैसे लिस्टिंग प्राइस पे एक्टिवेट कर दिया, तो आपके हिसाब से जो भी पैरामीटर्स या जो भी मेट्रिक आप मेजर करना चाहते हैं वो आप एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएशंस देखना चाहते हैं तो क्या सोल्ड हुए हैं, कैसे हुए हैं। इसके अलावा बीएसआर के साथ आपको अगर देखना है बेस्ट सेलर रैंकिंग
वगैरह कितनी है, फेस वॉश में कितनी है। एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, अभी मैं सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ना एक बार बीएसआर में चलता हूं। अभी आप देखोगे बीएसआर में ना यहाँ पे काफी फ्लक्चुएशन है, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, मैं इसको थोड़ा सा 6 महीने का डेटा करता हूँ, आपको समझ आएगा इससे। इसका रीजन ये है, देखिए जब आप यहाँ पे गए ना टॉप पोजिशन पे तो आपको बीएसआर 28 दिख रहा है, ठीक है, मतलब जो आपकी रैंक है वो 28 है। लेकिन जब आप नीचे आते हैं ना तो आप देखेगा कि बीएसआर यहाँ पे 1 दिख रहा है, ठीक है। तो बेसिकली चार्ट कैसे रीड करना है बेस्ट सेलर रैंक का, अगर ग्राफ ऊपर है मतलब रैंक हाई, विच इज अ बैड रैंक, ठीक है, अच्छी रैंक नहीं है, ग्राफ अगर ऊपर है तो बैड रैंक है, रैंक जितनी कम होगी उतनी बेटर है, तो नीचे आपकी कम रैंक है तो अच्छा है। अब क्या होता है, ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, कभी कभार क्या लगता है यार ग्राफ नीचे तो वैल्यू नीचे है, तो जब इस तरीके का ग्राफ है ना रैंक वाला, तो आप क्या करो ना, बहुत इजी तरीका है, ये बटन दिख रहा है रिवर्स द चार्ट, आप इस पे क्लिक करो। अब क्या होगा, जब आपकी अच्छी रैंक है वो 1 हो जाएगी, और रैंक अगर बढ़ रही है तो नीचे आ जाएगी। दिस इज द बेस्ट वे टू रीड द बीएसआर ग्राफ, ठीक है। मैं स्विच कर लेता हूं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, सो दैट मेरे जो नॉर्मल माइंडसेट है वो वैसे ही चलता रहे कि ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है तो मैंने अगर प्राइस बढ़ाया है या मेरी सेल बढ़ी है तो वो ग्राफ ऊपर दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन प्ले अराउंड। तो इस तरीके से हम पूरा फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, अब हम इसको क्लियर करते हैं फिर से। अब जैसे मैंने फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों क्लियर है, मैं सेकंड हाफ की भी बात की थी, अब देखोगे यहाँ पे ना सेकंड हाफ में रेटिंग्स आ रहे हैं, आपको इसको इनेबल करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे रेटिंग्स आ रही, ठीक है, यहाँ पे रेटिंग्स पर सेलर आ गए हैं, यहाँ पे फिर एक और रेटिंग्स इनेबल करते हैं। तो इस तरीके से धीरे 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 रेटिंग्स इनके बढ़ी हैं, रेटिंग्स रिव्यूज आई हैं, ठीक है। तो कितने हो गए, तो नीचे वाला जो ब्लू है रेटिंग्स मतलब नंबर ऑफ रिव्यूज, ऊपर देखोगे रेटिंग क्या है 4.3 जो डार्क ब्लू कलर का, और नीचे आप देखोगे नंबर ऑफ सेलर्स, तो कितने सेलर्स हैं, 2 सेलर हैं, 1 सेलर है, 2 सेलर है, ये चल रहा है। इस तरीके से आपका पूरा इंटायर जो पूरा डेटा है वो चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पूरा ग्राफ और ये डेटा है ना, ये आप यहां से निकाल सकते हैं, जो कि कोई और टूल अभी फिलहाल फ्री में नहीं दे रहा है। कीपा पहले इंफॉर्मेशन दे रहा था, अब वो नहीं दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है इस टूल की एक बड़ी सही ब्यूटी है, मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ पे देखो आपको नीचे ना कुछ चीजें दिख रही हैं, एडिट टाइटल दिख रहा है, एडिट इमेज दिख रहा है, वीडियो दिख रहा है, और एडिट बुलेट पॉइंट्स दिख रहा है, ठीक है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट, अमेजिंग चीज है। देखो टाइटल के आगे जो निशान है ना सिंबल है, उसके अंदर टी लिखा हुआ है, इमेज के आगे इमेज का आइकन बना हुआ है, और बुलेट पॉइंट के आगे स्टार बना हुआ है। अब समझो ये हो क्या रहा है, ठीक है। एडिट टाइटल पे जब हम क्लिक करते हैं, अभी देखो अनऑफ ऑफ हो गया, एडिट टाइटल पे क्लिक किया तो ऑफ हो गया, ऑब्वियसली चार्ट सेट गया, अब इसको इनेबल कर लेते हैं। अब देखो जब आप एडिट टाइटल देखना, आप ये देखना चाहते हो कि इन्होंने क्या कभी टाइटल में चेंज किया है, तो आप इस पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि इस पे होवर करके आपको क्लियरली दिख जाएगा कि ये टाइटल में इन्होंने चेंज किया है 1 दिसंबर 2024, ठीक है, इन्होंने टाइटल चेंज किया। अब टाइटल में क्या चेंज किया है, सिंपल है, बस क्लिक कर दो उसके ऊपर। अब देखो पहला जो इनका टाइटल था वो था सेटाफिल फेस वॉश जेंटल स्किन क्लींजर, जो जो भी सेक्शन इन्होंने चेंज किया है वो रेड कलर में कट चुका है, और नीचे जो चेंजेस किए हैं वो यहां पे आ चुके हैं, है ना। अल्टीमेट चीज है, अमेजिंग बिल्कुल, ठीक है। अब सिमिलरली आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टार है, स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बुलेट पॉइंट। तो एक बार देखते हैं बुलेट पॉइंट इन्होंने कब चेंज किया, 4 नवंबर 2024 को करा है। एक बार फिर से क्लिक कर दो उस पे, अब देखो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा बुलेट पॉइंट में क्या चेंज किया है। बिफोर जितने भी बुलेट पॉइंट थे वो ये थे, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पूरे इन्होंने बुलेट पॉइंट बनाए थे सेम थे, नीचे आप आएंगे तो इन्होंने ये 3 बुलेट पॉइंट्स 4 बुलेट पॉइंट्स और एड कर दिया अल्टीमेट। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि आपका कॉम्पिटिटर अपनी लिस्टिंग में क्या चेंजेस कर रहा है अपनी लिस्टिंग को बेटर बनाने के लिए। तो आप उनको ट्रैक डाउन कर सकते हो, फ्री आपका एक्सटेंशन है, आप आराम से देख सकते हो उसने क्या चेंज किए हैं। अगर आपको लगता है वो चेंजेस रिलेवेंट हैं तो आप अपनी लिस्टिंग में डाल सकते हो। मैं जैसे हमेशा कहता हूं, अगर कॉम्पिटिटर कुछ भी अच्छा कर रहा है उससे सीख लो, अगर कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उसका एडवांटेज ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा टूल आपके लिए काम करता है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम यहां पे काम नहीं करना चाहते, इस ऑनलाइन नहीं काम करना चाहते, या अभी यहां पे चार्ट में नहीं काम करना चाहते, हम कभी कभी एक्सेल में काम करना चाहते हैं, हम एक्सेल से काफी कंफर्टेबल होते हैं, उसके लिए भी सिंपल है। यहां पे जाइए, एक्सपोर्ट बटन दबा दीजिए, और ये डेटा आपका एक्सेल में आ जाएगा। अब ये भी चीज है कि यार मेरे को सारे फील्ड्स नहीं चाहिए, तो जैसे मैंने बताया आप किसी को भी ऑफ कर सकते हो, जैसे बीएसआर ब्यूटी को ऑफ करना है, मैंने क्लिक कर दिया, अनग्रे हो गया, तो एक्सेल की रिपोर्ट में नहीं आएगा। एंड सिंपली क्लिक ऑन एक्सपोर्ट, वो आपके आपके सामने वो डेटा आ जाएगा, और इस तरीके से आपका जितना भी डेटा है वो एक्सेल में आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सेल में ये सारा डेटा आपको मिल जाता है, एंड आप चाहो तो आप यहां पे भी डेटा के साथ प्ले अराउंड कर सकते हो, या अगर आप एक्सेल में कंफर्टेबल हो तो आप एक्सेल का भी यूज कर सकते हैं। तो फिर चाहे आप नया प्रोडक्ट सोर्स करने का सोच रहे हो, या अपॉर्चुनिटीज वैलिडेट करना चाहते हो, या फिर पीपीसी कैंपेन्स कब लॉन्च करने हैं ये फिगर आउट करना चाहते हो, तो सेलर्सप्राइट कीपा ट्रेंड टूल आपको सभी इनसाइट्स दे देगा, वो भी एकदम फ्री। आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप इस फ्री टूल को जरूर ट्राई करें। इसके अलावा सेलर्सप्राइट अपने पेड वर्जन में और भी अमेजिंग फीचर्स देता है। अगर आप पेड टूल लेने का सोच रहे हैं तो अभी सेलर्सप्राइट का स्पेशल ऑफर आया हुआ है, जिसमें मंथली प्लान आपको सिर्फ $20 में एंड बेसिक ईयरली प्लान सिर्फ $199 में मिल जाएगा। अकाउंट बनाते वक्त AM199 कोड यूज करना ना भूलें। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जल्दी से जल्दी अवेल करें, और कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। फाइनली कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।